पाकिस्तान साउथ एशिया में स्थित भारत का एक पड़ोसी मुल्क। सन 1947 में भारत की आज़ादी के साथ इस देश की नींव इस्लाम के नाम पर रखी गई। आज ये देश दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। मिलिट्री के मामले में 6वीं सबसे बड़ी और 13वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री है इस देश के पास। आपने इस देश के बारे में आज तक बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ आप जानते होंगे, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको जो तथ्य बताऊंगा, शायद ही आपने पाकिस्तान के बारे में वो कभी सुने होंगे और आप जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और जानते हैं आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। पाकिस्तान में मल्टीपल लॉ सिस्टम्स का बोलबाला है। पीनल कोड, सरिहा लॉ और जिरगा लॉ, ये तीन लॉ सिस्टम्स वहाँ पर माने जाते हैं। वहाँ की ट्राइबल एरियाज में आज भी सरिहा और जिरगा लॉ को तवज्जो दी जाती है। पाकिस्तान की टोटल लिटरेसी रेट 55% है और आज भी वहाँ की प्राइवेट स्कूलों से 5% एजुकेशनल टैक्स वसूला जाता है। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो समझ लीजिए आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते, क्योंकि पाकिस्तान में गर्लफ्रेंड रखने पर पाबंदी है। चाहे आप लड़की से कितना भी प्यार करते हो, पर बिना शादी के उससे आप कोई संबंध नहीं रख सकते। वहाँ पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में आधे ही अधिकार प्राप्त हैं, यानी कोर्ट में किसी पुरुष के खिलाफ गवाही देने के लिए 2 महिलाओं का होना ज़रूरी है। एक सर्वे के मुताबिक 25% पाकिस्तानी युवा चरस की लत के शिकार हैं, जो चरस अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आती है। दुनिया की कुछ सबसे पुरानी संस्कृतियाँ यानी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, जैसे मोहनजो दारो, तक्षशिला और मेहर गढ़ पाकिस्तान में ही मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा कैनल बेस्ड इरीगेशन सिस्टम भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कई इलाकों में आज भी इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी किल्लत रहती है, इसीलिए वहाँ के फार्मर्स इन्हीं कैनल बेस्ड इरीगेशन सिस्टम से खेती करते हैं। पाकिस्तान दुनिया का अकेला मुस्लिम नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, पाकिस्तान में ही स्थित है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हैंडमेड फुटबॉल्स के मामले में। पाकिस्तान हर साल 40 से 60 मिलियन हैंडमेड फुटबॉल्स बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। ग्वादर पोर्ट, जो पाकिस्तान में लोकेटेड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट है, जिसे पाकिस्तान इन दिनों चाइना के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है। आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि दुनिया का 7वां अजूबा हिंदुस्तान में है, ताजमहल, पर आपको शायद ही ये पता होगा कि 8वां अजूबा काराकोरम हाईवे या काराकोरम नेशनल हाईवे काराकोरम माउंटेन्स रीजन में 15,397 फीट पर बना हुआ 1300 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है, जो दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है और ये पाकिस्तान के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का काम करता है। थार पकार डेजर्ट, ये दुनिया का सबसे पहला फर्टाइल डेजर्ट है। थार डेजर्ट साउथ एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है और इसका एक छोटा सा भाग पाकिस्तान में आता है, जिसे थार पकार डेजर्ट कहा जाता है, और ये डेजर्ट दुनिया का पहला फर्टाइल डेजर्ट है। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे पुरानी एक सॉल्ट माइन भी मौजूद है, जो पंजाब रीजन के जलम डिस्ट्रिक्ट में आती है और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉल्ट माइन भी है। चंगावंगा पाकिस्तान के लाहौर में स्थित दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा मैन मेड फॉरेस्ट है, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी और ये 12,423 एकड़ में फैला हुआ है। मारखोर पाकिस्तान का एक नेशनल एनिमल है, जो पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में भी पाया जाता है। मलाला यूसुफजई, इन्हें 2014 में नोबेल प्राइज मिला था ग्लोबल पीस के लिए और ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है और ये एक पाकिस्तानी महिला है। तो दोस्तों, यही थे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आप पाकिस्तान के बारे में इससे पहले जानते हों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा दे पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।